हेलो फ्रेंड्स, राजरानी के किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी स्टाइल में घुगनी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घुगनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में 3 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर शाही जीरा डाला है। फिर मैं यहाँ पे सारे होल स्पाइसेस इसमें डाल दूँगी। उसके बाद 1 मिनट तक क्रैकर होने के बाद मैं यहाँ पे ड्राई चिली और तेज़पत्ता दोनों इसमें डाल देंगे। फिर 2 बड़े साइज़ का प्याज को मैंने यहाँ पे लंबे स्लाइस करके इसमें कट डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट तक हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन डाला है, मैंने बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहे तो इसे इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चना डाल दूँगी, जो कि मैंने ओवरनाइट इसे भिंगो के रखा था। 1 कप मैंने यहाँ पे चना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए जाएंगे। आँच को मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है। और फिर यहाँ पे ड्राई पाउडर इसमें डाल दूंगी, जिसमें मैंने हल्दी का पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लाल साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल दिया है, इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये सारे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक मुझे लगे थोड़े मसाले भूनने में। फिर मैंने यहाँ पे 2 कप गरम पानी डालूंगी इसमें। गरम पानी डालने के बाद मिक्स करके इसे कम से कम 6 से 8 सीटी लगने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 6 से 8 सीटी यहाँ पे लग गए हैं। चने अच्छे से गल चुके हैं और यहाँ पे प्याज टमाटर सारे गल चुके हैं, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे खड़े खड़े से। फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगी गरम मसाला, यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने डाला है, छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच गरम मसाला मैंने यहाँ पे डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर ऊपर डाल देंगे हरा धनिया काट कर और इसे गर्मा गर्म अपने मनपसंद चीज़ों के साथ सर्व करें। ये बिहारी स्टाइल में मैंने घुगनी बनाई है, ये काफ़ी टेस्टी बनती है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।